आप तो जानती ही होगी कि हम जो भी किसी का नाम रखते हैं उसके पीछे का लॉजिक होता है। मानो कि कोई भी ग्रह है, जुपिटर हो, मार्स है, जो भी है, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, उसके कारण उसका नाम होता है। मगर आप जानते हैं हम जो धरती यानी पृथ्वी पे रहते हैं ना, उसका नाम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, अर्थ। मगर ये अर्थ नाम क्यों रखा, किसने रखा, वो आज तक पता नहीं चला। नॉर्मल जो नाम होते हैं उसके पीछे का रीजन होता है, पर अर्थ नाम जो है ना उसका आज तक कोई पुरावा नहीं मिला कि किस कारण ये नाम रखा था। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का हर एक इंसान, आप मानोगे नहीं, दुनिया का हर एक इंसान है ना हर रोज एक तो गीत गाता ही है। हर एक इंसान रोज एक तो गीत गाता है। अब माँ कहोगे जो बोल नहीं सकते वो कैसे गाते, मगर जो बोल नहीं सकते ना वो भी अपने टाइम में गुनगुनाते हैं, यानी कि बोल नहीं सकते मगर वो अपनी ऐसी रिएक्शन करते हैं, इसके कारण हमें पता चलता है कि वो गीत गा सकते हैं। हर रोज कोई भी इंसान खुश हो, दुखी हो या कोई भी फीलिंग हो वो गुनगुनाता है, यानी कि हर रोज एक तो गीत गाता ही। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं हम जब पृथ्वी को, चंद्र को पृथ्वी से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, मगर आपने कभी लॉजिक दौड़ा है कि चंद्र की जगह पे जो मार्स होता, यानी कि चंद्र की साइज मार्स जैसी होती तो कैसा दिखाई देता। आप मानोगे नहीं, चंद्र की जो हम देखते हैं वो ऐसा दिखाई देता, यानी कि वो पूरे स्पेस की जगह होके खड़ा है। जो सात होता है, सात नंबर, 7-7, ये एक अलग ही नंबर है, यानी कि सात सूर, सात समुद्र, सात खंड, सात जेम्स बॉन्ड थे ना, उसका भी नंबर 7 है, 7 ही था, यानी कि 7 नंबर हर जगह पे यूज होने वाला एक नंबर। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं हम जब स्कूल में जाते हैं ना तो हम नहाके जाते हैं, और एग्जाम के टाइम तो हम नहाते हैं, इंडिया में तो हर एक बच्चा नहाता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम उसको वो एग्जाम देने जाती है, इसलिए वो अपने माता पिता के आशीर्वाद लेते हैं या और भगवान की पूजा करते हैं। मगर आप जानते हैं कोरिया में जो स्टूडेंट होते हैं ना वो एग्जाम के टाइम नहाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम जो एग्जाम के टाइम नहाएंगे तो हमने जो पढ़ा है ना वो बह जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा। जो पांडा होते हैं ना वो नॉर्मली कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और जो चींटी होते हैं ना वो ऐसे दिखाई देते हैं। पांडा का जो कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, पर आपने कभी कोई ऐसी चींटी देखी है जो पांडा की तरह ब्लैक एंड व्हाइट होगी? हाँ, ये चींटी हूबहू पांडा की जैसी दिखती है, यानी कि इसलिए उस चींटी को पांडा एंड कहते हैं, जो हूबहू पांडा की तरह दिखती है ना बिल्कुल। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं ना तो ब्रेक लगने पर हम गिर जाते हैं, मगर आप जानते हैं जापान में बुलेट ट्रेन में जब आप मुसाफरी करो तब हम उस ट्रेन में सिक्का भी रख दो ना वो गिरता नहीं, इतनी स्मूथ रहते वो ट्रेन चलती। और हाँ, हमारी यहाँ ट्रेन में जो हाथ हमने छोड़ दिया ना तो कहाँ चले जाए हम। क्या आप जानते हैं जो सालामांडर होती है ना वो अलग ही प्रकार का जानवर होता है हमारे समाज में, मनुष्य हो, प्राणी हो या पक्षी हो। जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना तब प्रॉब्लम होने लगती है, मगर जो टाइगर सालामांडर होती है ना जब उनमें पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना तो उनमें एक केमिकल पैदा होने लगता है, के कारण जो बच्चा पैदा होता है ना वो अन्य टाइगर सालामांडर को खाना शुरू कर देते हैं, और तब तक खाते रहते हैं ना जब तक
पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाती, और जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है ना तब वो रिलैक्स हो जाते हो और नॉर्मल जिंदगी। क्या आप जानते हैं हम जब वीडियो शूट करते हैं ना तब हमारा जो बैकग्राउंड होता है ना, जब बैकग्राउंड होता है वो पीले रंग का होता है, हरे रंग का, जो जब हम एडिट करते हैं ना तब हमारे पीछे जो भी कुछ भी लगा सकते हैं, बिल्डिंग या कुछ भी, और रिपोर्टर लोग होते हैं ना वो भी ऐसा करते हैं, मगर जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो ना इसकी वो ओरिजिनल है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो ओरिजिनल है, और ये कोई न्यूज कंपनी ने इस बिल्डिंग की छत पर शूट किया। हम जो सोचते हैं ना वो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें हम सोचने लगते हैं, अगर आपने कभी सोचा है जो बोल नहीं सकते ना जो सुन नहीं सकते ना, जिसने कभी भी कोई भी भाषा सुनी ना वो कैसे सोचते होंगे, उनका भी एक लैंग्वेज होता है, जो जैसे ये ऐसे बात करते हैं उसमें ऐसा ही वो सोचने लगते हैं कि हम जो बात सोचते हैं ना इस तरह वो सोचते। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाजू में रखे बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके फ़ोन के घंटे बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।